नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आम आदमी पार्टी यानी ईमानदार पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल यानी सबसे ईमानदार नेता, जो दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं और उनके राजनीतिक बयानों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी ईमानदार नहीं है। अपने हर भाषण में ढिंढोरा पीट पीट कर खुद को ईमानदार कहते रहते हैं। दरअसल अन्ना आंदोलन से केजरीवाल ने ईमानदारी का चोला पहनकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, उसके बाद पार्टी बना ली। हालांकि केजरीवाल ने जिस एजेंडे के साथ राजनीति में कदम रखा, लोगों ने उनका खूब समर्थन भी किया, क्योंकि लोगों को एक विकल्प चाहिए था। दिल्ली की जनता को लगा कि शायद केजरीवाल राजनीति में एक क्रांति लाएंगे, भ्रष्ट तंत्र को खत्म करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि बनावटी चेहरे ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते, एक ना एक दिन हकीकत सामने आ ही जाती है। ईमानदारी के नाम पर लोगों ने तो केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 बार बना दिया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी से नेता कार्यकर्ता जुड़ते गए, वैसे वैसे ईमानदारी का मुखौटा पहने नेताओं की असलियत भी एक एक करके सामने आती गई। ताहिर हुसैन, सोमनाथ भारती, अमानतुल्ला खां, मंत्री विजय संगला, सत्येंद्र जैन जैसे कई मंत्री विधायक हैं जो किसी न किसी मामले में जेल की हवा खा चुके हैं और अभी भी कई खा रहे हैं। कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी है। और इन सब के अलावा अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया का जो मामला चल रहा है वो भी आपको पता ही होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया के ऊपर दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आरोप है। इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया था और सिसोदिया भी पूरे तामझाम के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। 8 घंटे तक सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं सिसोदिया मामले को लेकर आज सुनवाई भी हुई, जिसमें सिसोदिया की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी कोर्ट से उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि नई शराब नीति के जरिए बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। इस नीति के जरिए दक्षिण भारत की कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया गया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि नई शराब नीति बनाने के पीछे साजिश थी। नई शराब नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने विजय नायर और के कविता के बीच हुई मीटिंग के बारे में भी बताया। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने वाले 12% थोक लाभ मार्जिन पर कभी चर्चा नहीं की गई। सिसोदिया के कहने पर ही 12% मुनाफा बढ़ाया गया। तो इस तरह से आज की सुनवाई के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करेंगे। वैसे आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।